दोस्तों, क्या ऐसे बल्ले से चलेगा? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूं अरूप दास और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल जो कि है रिलैक्सिंग दास म्यूजिक। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने जा रहा है ना, बहुत ही रमनचक वाला एक वीडियो होने वाला है। आप लोग वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। तो पहले ही तो मेरा इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है बहुत ही रमनचक होने वाला है। आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो को देखते रहिए और स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही रमनचक। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एक, और फ्रेंड्स मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहले आगे देखिए वीडियो को। हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा। मैं 2018 या 19 में गया था YouTube का फैन फेस्ट फर्स्ट टाइम, ठीक है, जो क्रिएटर कैंप हुआ था 2019 में दिल्ली। तो दिल्ली में फैन फेस्ट हुआ था, उस टाइम मैं गया था। तो वहां पर जब गया था तो वहां पर मैंने देखा था भुवन बाम सर का, बीबी के वाइंस आप लोग जानते होंगे, उनका काफी जगहों में ना काफी सारा होर्डिंग्स लगा हुआ था पूरे दिल्ली में, क्योंकि वो काफी सारा चीज का ब्रांड एम्बेसडर है। लाइक वो प्रमोशन करते हैं, जैसे डोमिनोज वगैरह का भी उन्होंने कर रखा है। तो वो एड आता है ना, तो एड की वजह से उनका बहुत सारा होर्डिंग लगा हुआ था पूरे दिल्ली में। तो वो जब मैं एक बहुत बड़ा सा होर्डिंग देखा था, तब मुझे ऐसा फील हुआ था कि कभी ऐसा दिन अगर आ जाए मेरे लिए भी, जहां पर मेरा भी कहीं होर्डिंग लगे, मेरा भी बड़ा बड़ा पोस्टर लगे। और वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो उनका दिल्ली में लगा हुआ था। तो मैंने सोचा था मैं धनबाद में रहता हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में, एटलीस्ट धनबाद में अगर लग जाए तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तो अभी आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों ने अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते तो आप लोग पता होगा मेरा एक इवेंट होने जा रहा 8 जनवरी को, जिसका होर्डिंग पूरे धनबाद में लगा हुआ है। धनबाद ही नहीं, बोकारो हो गया, इधर झारखंड में सिंदरी हो गया, बलियापुर साइड हो गया, जो लोकल के उन लोगों को पता होगा, बट हाँ धनबाद में काफी मेन जगहों में होर्डिंग्स लगा हुआ है। तो अभी मैं आज के इस ब्लॉग पे मैं दिखाने चल रहा हूँ आप लोगों को, और मैं भी देखूंगा कहाँ कहाँ होर्डिंग लगा है और कौन कौन सा प्लेस में लगा है। तो आप लोगों को भी देख के थोड़ा प्राउड फील होना चाहिए, आप भी एक दिन ला सकते हो अगर आप मेहनत करोगे तो। लगन एंड मेहनत आपके अंदर में होना चाहिए। तो चलिए अभी निकलते हैं सीधे धनबाद, जहाँ जहाँ होर्डिंग्स लगा सब कुछ दिखाऊंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा, मैं भी देखूंगा खुद, थोड़ा अच्छा फील होगा, प्राउड फील होगा। चलिए चलते हैं डायरेक्ट धनबाद। तो अभी गाइस हम लोग आ गए हैं बैंक मोड, ठीक है, धनबाद का सबसे ज्यादा क्राउडेड एरिया। मैंने काफी सारे ब्लॉग्स में पहले भी बोला है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, सबसे पहले गया पुल के ऊपर में, ठीक है। इधर से हमें गया पुल चढ़ना होगा, जो लोकल के हैं उनको पता रहेगा, अगर आप लोकल के नहीं हो तो भी मैं बता देता हूँ, सबसे ज्यादा क्राउड एरिया धनबाद का यही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गया पुल के ऊपर में, चढ़ते हैं और दिखाते हैं कितना फ्रंट ऐसा जगह में लगा हुआ है कि सबका नजर उस जगह पे पड़ना ही है, ठीक है। तो चलिए अभी जाके दिखाते हैं। ये अभी हम लोग पुल के ऊपर में आ गए हैं, देख सकते हो इसके नीचे है वासेपुर, ठीक है, पुल के नीचे रास्ता है। और होर्डिंग कहाँ है वैसे मैंने भी नहीं देखा इसको सामने से, मैं भी आज जा रहा हूँ, आप लोग को भी दिखा रहा हूँ, खुद भी देख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आगे है, ये रहा नजर आ गया है, ये देखिए, मतलब पुल से जो भी क्रॉस करेगा उसका नजर यहाँ पड़ना ही है, देख सकते हो इतना ज्यादा क्राउड रहता है। और ये रहा हमारा होर्डिंग, यहाँ पर थोड़ा सा गाड़ी रोक करके एक थंबनेल क्लिक करेंगे, यही तो सोच रहे हैं, ठीक है, कितना मस्त लग रहा है, देख सकते हो, जो भी क्रॉस करेगा उसका नजर मतलब जाना ही है उसके ऊपर में। चलो चलो चलो, थोड़ा और आगे ये देखिए, ये मस्त एकदम होर्डिंग लगा हुआ बड़ा सा एकदम, वाह शानदार। चलिए यहाँ पे थंबनेल क्लिक करवाएंगे, निकलते हैं बाहर। वो आपको पहचान भी लेगा, ठीक है, यहाँ पे अगर रोकेंगे ज्यादा देर तो, इसलिए थोड़ा जल्दी कर लेंगे, थंबनेल क्लिक करवा के मिलते हैं आप लोगों से। ये देखिए मस्त लगा। सो गाइस, सिर्फ एक मिनट के लिए रोका हुआ था थंबनेल लेने के लिए, इसी में इतना क्राउड यहाँ पे जाम लग गया था, ठीक है, गाड़ी यहाँ का मेन बार बड़ा गाड़ी है ना, पीछे पूरा एकदम जाम लग गया। तो इधर देखिए फोटो है बहुत सारा, कुछ भाई पहचान भी लिए थे, बोल रहे हैं जैसे उतरे बहुत कोई बोल रहा है क्या मनोज जी यहाँ क्या कर रहे हैं आप एकदम, तो बोले बस भाई एक थंबनेल लेते हैं निकलेंगे यहाँ से। तो अभी चलिए अब और देखते हैं कहाँ कहाँ लगा हुआ, ये पहला था, देखते हैं और भी काफी सारे। तो अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, ठीक है, ये है हीरापुर। तो हीरापुर घुसते टाइम जो चौक है वहाँ पे एक लगा हुआ है, चलिए अब वो दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ भी काफी ज्यादा क्राउड रहता है, मतलब ऐसे जगह में लगाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक का नजर उस पर जाए, ठीक है। तो ये देख सकते हो दूर से ही दिखना शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा, ये देखिए। तो चलिए अभी सामने जाके दिखाते हैं, ये रहा मस्त एकदम ऑटो वगैरह लगा हुआ है, ये देखिए ये कितना मस्त लग रहा है, ओ भाई वो सारे क्रिएटर्स दिख रहे हैं,
हम ही दिख रहे हैं ना सबसे ज्यादा स्मार्ट हम ही दिख रहे। तो देख लिया, ये सेकंड था, अब देखते हैं चलिए आगे और है, अभी बहुत सारा है, वैसे देखते हैं जितना दिखा पाएंगे उतना दिखाएंगे, बाकी सारा तो कवर करना मुश्किल है, सिर्फ धनबाद वाला ही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बाकी सिंदरी मेरे साइड में किधर किधर लगा है वो तो मुझे भी नहीं पता। एंड चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पर है। तो अच्छा लगता है पूरे धनबाद में, जहाँ मैं रहता हूँ उसी धनबाद में अपना पोस्टर लगा हुआ है, जो नहीं जानता है वो भी जानना शुरू हो गया, ऐसा सीन है। जो वीडियो मेरा देखता है वो तो पहचान रहा है ना, अदरवाइज बहुत सारे अननोन लोग भी होगा, अब जिनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ तो वहाँ पर नाम वो देख रहा है, मनोज दे तो सर्च करके जरूर देख रहा होगा तो पता चल रहा है हाँ यूट्यूबर है ऐसे वैसे, तो होता है थोड़ा सा ये सबसे भी थोड़ा पब्लिसिटी बढ़ता है। तो अभी चलिए देखते हैं नेक्स्ट लोकेशन, दिखाते हैं आपको। तो अभी हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट लोकेशन पे और ये देखिए ऑडिंग अभी दिखना शुरू हो चुका है, ये देखिए ये वाला काफी लोगों ने टैग किया हुआ है क्योंकि ये सबसे ज्यादा फ्रंट में है शायद, क्या सबसे ज्यादा नोटिस में ये जा रहा है। उधर ही चलो हम लोग भी थोड़ा रुक के फोटो वगैरह ले लेंगे। ये देखिए ये चौक पे एकदम मेन चौक पे लगा हुआ है काफी बड़ा सा, और ये बिरसा मुंडा पार्क जाने का चौक है, ये देखिए ये पार्क में ही सारे इतने भीड़ है, गाड़ी लगा हुआ है, ये रहा होर्डिंग हमारा, यहाँ भी रुक के एक फोटो वगैरह क्लिक करवा लेंगे। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, अब देखते हैं यहाँ भी पब्लिक वगैरह ना रुक जाए आके। ओ भाई साहब ये हम ही है ना, समझ में नहीं आ रहा ये काफी बड़ा सा लगा हुआ है देख सकते हो, एंड काफी लोगों ने यहाँ पर जो है मेंशन किया है मुझे इंस्टाग्राम पे, वैसे तो हर एक जगह में जहाँ जहाँ लगा हुआ है सबने मेंशन किया है, और भी काफी सारे हैं, इसको मैंने कवर कर लिया क्योंकि अभी मुझे उधर ही जाना है, काम है उस साइड में। एंड चलिए पहले फोटो वगैरह क्लिक करवा, चलिए थंबनेल वगैरह क्लिक करवा लिए, अब यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट चलते हैं पामिन में, ठीक है वहाँ मिलना है सूरज जी से, काम है उधर, कॉल भी आ रहा है। चलिए ये तो भाई लोग यहाँ रुके हुए थे देखिए, लेकिन डर से बोल ही नहीं पा रहे हैं कि फोटो लेना या फिर कुछ जब मैं वहाँ फोटो क्लिक कर रहा था खड़ा था ये लोग। तो अभी देख रहे हो ना जनवरी का मंथ चल रहा है, जिस वजह से देख रहे हो जितने गाड़ियां देख रहे हो सब यहाँ पर बिरसा मुंडा पार्क है, इस वजह से इतना भीड़ है, और पार्क पे भी मेरा होर्डिंग लगा हुआ बट मैं उसके अंदर नहीं जा सकता क्योंकि अभी मैं जाऊंगा तो समझ रहे हो मैं निकल नहीं पाऊंगा वहां से, क्योंकि मेला जैसा क्राउड है देख रहे हो, इतना सारा गाड़ी सारा यहाँ पर जो है पार्क के वजह से, और देखिए ये पार्क का मेन गेट है, और देखिए भीड़ देखिए, ओ भाई साहब क्या खतरनाक टाइप से भीड़ है, देखिए एकदम लग रहा मेला लग गया भाई, इतना पब्लिक सब पार्क घूम रहा है, देखिए गजब भीड़ है भाई, नीचे पार्किंग है, इतना सारा पार्किंग में गाड़ी, ये देखिए भीड़ देखिए भीड़ गजब। फिलहाल मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, वहाँ पार्क के अंदर में वहाँ मेन गेट के सामने में भी होर्डिंग लगा हुआ है, वहाँ पर टिकट भी मिल रहा है, वो मैंने अपने वीडियो पे ही बोला था, लड़का लोग देखिए से वीडियो बना बना के और हम यहाँ फंस चुके हैं क्राउड में, ये देखिए ना गाड़ी इधर ना उधर, मतलब गजब का भीड़ है देख रहे हो, निकल ही नहीं पा रहे हैं भाई यहाँ से। ओ गाइस यहाँ पे थोड़ा मीटिंग वगैरह था सूरज जी ये लोग के साथ, पामिल में रुके हुए थे, सारा मीटिंग ओवर हो गया, अब मैं घर निकल रहा हूँ, रात भी हो चुका है, चलिए चलते हैं। आप लोग वीडियो पूरा देख लिए होंगे तो लास्ट तक, अभी तक आप लोग वीडियो देखते देखते आ गए होंगे तो बहुत ही बड़ी बात है कि आप इतना तक वीडियो देख लिया है, क्योंकि जो आप लोग वीडियो देखे हैं वो मनोज भैया का है, क्योंकि मनोज भैया जो है बहुत ही बड़ा एक यूट्यूब पर बहुत ही बड़ा एक इवेंट करने जा रहे हैं जो कि है 2023 में, तो फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो उसी इवेंट के लिए तैयारी बहुत ही धूमधाम से चल रहा है फ्रेंड्स, और जो कि है बहुत जगह पे, ठीक है बहुत जगह पे है, पोस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया, पोस्ट भी लग चुका है, इवेंट जो है जो हो रहा है बहुत ही मजेदार होने वाला है फ्रेंड्स। तो अब लोग मनोज दे को नहीं पहचानते हैं तो यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए मनोज दे बोल के, ठीक है तो फ्रेंड्स उनका मिलियन सब्सक्राइबर है। तो फ्रेंड्स मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं वीडियो को, मेरा चैनल में आप लोग न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज फ्रेंड्स, आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है क्योंकि देखिए आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन लोग करेगा सपोर्ट, तो प्लीज मेरे चैनल में न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।